महिला भिखारी की आखिरी इच्छा हुई पूरी, शहीदों के परिवार को दिए 6 लाख। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को देश के सभी वर्गों से मदद के हाथ उठ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में एक महिला भिखारी द्वारा भीख में एकत्रित किए गए रुपयों को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिजनों की मदद के लिए दी गई है। हालांकि इस महिला भिखारी की करीब 6 माह पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा के तौर पर करीब 6,61,600 रुपए शहीद परिवारों को दिए गए हैं। दरअसल महिला का नाम देवकी शर्मा था और 6 माह पहले इनका देहांत हो चुका है। अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहे पर माता मंदिर के पास बैठकर कई सालों से भीख मांगी और एक एक पाई जोड़ी। रोजाना भीख में मिले पैसे मंदिर कमेटी के सदस्यों को दिया करती थी। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बुजुर्ग महिला का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया और सारे पैसा उसके खाते में जमा करवा दिए। महिला ने अपने अंतिम समय में यह कहकर प्राण त्यागे कि इन रुपयों को किसी अच्छे काम में लगाए। मंदिर कमेटी के सचिव संजीव भार्गव ने बताया कि महिला देवकी शर्मा की अंतिम इच्छा के अनुरूप यह रुपए कमेटी किसी और काम में देती, लेकिन जो घटना पुलवामा में हुई है उसमें शहीद परिवारों की मदद से बड़ा दूसरा कोई पुण्य का काम नहीं है। ऐसे में मंदिर कमेटी के सदस्यों ने यह रकम शहीद परिवारों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया है। उन्होंने बताया कि रुपयों का ड्राफ्ट बनाकर जिला कलेक्टर को सौंपा है।